अस्सलामुअलैकुम। ये मेरे बीमार हो गए तोते ऐसे नजर आने गए, ये खाना नहीं खाते और बिल्कुल लेट गए थे। ऐसे तोतों की जीने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है, तो फिर बहुत सारे मेरे तोते ऐसे मर गए। ये देखें, अब ये वाली तोती ने तो बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ दिए थे, सफ़ेद वाली ने। ये पफ क्रिस्पस रेड आइस तोती है और ये साकामन मेरा वो है, क्या कहते हैं, नर बजरी। ओके, तो इनकी इतनी बुरी हालत थी, आज ये तीसरा दिन है मैं इनको दवा दे रही हूँ। मैंने कहा पहले ये ना तरीका दूसरे तोतों पे भी आजमाया था और माशाल्लाह वो सब अब कुंडलियों में है। अब ये दोनों बहुत बुरी हालत में हो गए थे, अब मैंने उसको जाल में से निकाल के लाई थी परसों। तो जब से मैंने इनको ये दिया, अब ये देखें खुद ही लटक पटक के, वरना इनके हिलने की हिम्मत नहीं थी। तो मैंने इनको ना ये फार्मूला दे रही हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ सारे दाने की बोरियाँ होती हैं। मेरे महीने भर का दाना मैं मंगवाती हूँ ना, ये बकरों का दाना और इनका दाना। अब आप बोलेंगे पता नहीं काय में लग गई है। अच्छा, तो जी आप अल्लाह भरे करें। ये एथ्रोविट चिड़ियों का, ये बजरी तोते हैं, इसमें ये फिशर हैं और ये कलर वाली लेडी बर्ड है। और अल्लाह भला करे आपको, ये बड़े तोते भी हैं इसमें, यानी ये मकाव शकाव सबको दे सकते हैं आप, ये देखेंगे वाले तोते। ठीक है, अब ये है गुरु फास्ट, ये भी मैं कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके नतज बहुत अच्छे होते हैं। ये परों वरों के लिए ना, ये देखें तरकीब इस्तेमाल, एक चाय का चमचा एक लीटर पानी में। तो मेरे इतने तोते नहीं, तो मैं आधा लीटर पानी में आधा चाय का चमचा देती हूँ। और इसका ये देखें, अगर दिख रहा हो तो परिंदों के निज़ाम तोली और इनके परों वरों का कोई मसला होता है वो भी होता है। और अंडे बच्चों में बच्चे नहीं पढ़ते भी तोतों के, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। और ये दिख रहा होगा आपको, चलिए अब ये है सरल जो हमारे बच्चे खाते हैं। और ये है गंदुम का, चावल का नहीं देती हूँ मैं, गंदुम का देती हूँ तोतों के बच्चों को भी और इनके भी, जो छोटे छोटे बच्चे फेंक देते हैं ना, तो मैं इनको ये। और ये एक सिरिंज है, इसके अंदर मैंने ये पाइप लगा रखा है। ओके, अब ये पानी है जिसमें मैंने थोड़ा सा ये डाला है। और ये फास्ट गुरु की है, इसको मैंने इतना है ना करके इसी पानी में डाल दिया, सही है। अब ये लुढ़कने वाला है तो मजबूरी है, लेकिन ये ना साफ़ हो जाता है अगर इसके अंदर ना ये रखा भी जाए ना, तो शाम तक ख़राब नहीं होता। ये है उसके फीडर का ढकना, तो ये बहुत चिकना होता है, तो ये सब साफ भी जल्दी हो जाता है। अब ये छोटे बर्तनों में पता भी चल जाता है कितना देना है कितना नहीं, तो मैं इसमें ना ये डाल दिया। ये अब सारे दिन के लिए मेरा तैयार हो गया। अब मैं इसको भर लूँ, थोड़ा सा देर वेट करती हूँ। अब ये तोती ना कितनी सूखी हुई है, इसको मोशन भी हुए देखे, और ये सूखी हुई कितनी हुई है देखे ना, और खुद नहीं खा रही, बिल्कुल खाली पेट है। अब मैंने ये जो सिरिंज भरी है वो मैं इसको, आस्ता आस्ता स्लोली स्लोली एकदम भरने से ना फिर इनका ये बाहर फेंक देती हूँ मैदा। अब ये ना इसके लिए बहुत है, अब मैं दूसरा तोता पकड़ूँगी। अब मैं
हिम्मत नहीं है कि ये ना इसके साथ भी यही मसला है, मौसम और ये कमजोरी हो रही थी। अब इसको ये भर के और इसको मुँह में से डालिए, जबान रास्ते हैं तो इसको साइड से डालना पड़ता है। ये इसका पूरा पेट में चला गया। अब इसका आस्ता 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 अब ये भर गया। अभी इनको ना ये इसमें दवा भी है और गिज़ा भी है, तो दो तीन दिन से खा रहे हैं। अभी दो तीन दिन से खा रहे हैं। अब देखें माशाल्लाह से ना थोड़ा इनकी ये पोटी वगैरह भी सही हो रही है। अभी थोड़ा ना भूख इनकी ख़त्म होगी। तो ये आप है ना जो भी तोते क्या कहते हैं ऐसे बीमार हो जाएं तो उनको ना ऐसे बना के सरा जाए। अब ये मैं रख दूँगी, दोपहर में काम आएगा। अब ये 4 बजे आके खिलाऊँगी इनको। और ये तोते देखें माशाल्लाह बिल्कुल सेट होते जा रहे हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह जब ये सही हो जाएंगे ना और मैं इनको कुंडलियों में डालूंगी वापस और ये खुद खा रहे होंगे। अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये ना कनकी ही खा लें। देख रहे हैं आप कनकी पानी पड़ा हुआ है, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये खुद खा लेते। अब एक ने शायद खाना शुरू किया थोड़ा, लेकिन ये वाइट वाली ने ना बिल्कुल नहीं खा रही। तब इसको मैं ये सरेलेक दे रही हूँ। यह तीसरा दिन है इंशाल्लाह, ये देखना कल तक ये खाना पीना शुरू हो जाएगी, जिसम में ताकत आ जाएगी इसके। तो आप देखेंगे अभी मेरे तोतों के बच्चे बाहर आ गए, इंशाल्लाह मैं आपको कल वो भी दिखाऊंगी। और ये आप तरकीब यूज़ करें और सरेले किस तरीके से बनाएं दवा डाल के, ताकि एकदम दवा है ना इनको मैदे में भी ना लगे और आराम सुकून से ना ये खा भी लें। ऐसे बनी हुई दवा आराम से अब इनके ना मैदों में लगेगी भी नहीं और ये खा भी लेंगे। अब ये तरकीब आप भी यूज़ कीजिए, अपने जानवरों की जान बचाइए, ताकि बीमार जानवर जो कहते हैं ना सूखड़े में आ गए, वो सूखड़े में मेरे ख्याल में नहीं आते, वो खाते नहीं हैं ना, तो हड्डी पतली हो जाती है उनकी। तो आप ये इस्तेमाल कराएंगे ना इंशाल्लाह। ये मेरा इस्तेमाल किया हुआ है, अब ये मैं दोबारा हुआ है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देखेंगे ना इंशाल्लाह आपके तोते जानवर ना बिल्कुल सेट हो जाएंगे। हल्का फुल्का होता है और खाने में इनको आसानी रहती है, हजम करने में आसानी रहती है। तो आप ये इस्तेमाल कराएं, ऐसे सूखे सूखड़े में आ गए जानवर। ओके, लास्ट उम्मीद है आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अभी मेरे और तोतों का क्या कहते हैं बच्चे निकले, इंशाल्लाह मैं वो भी दिखाऊंगी अगली किस्त में। ओके, लास्ट।